हेलो एवरीबॉडी, दिस वन इज निलेश कुमार सिंह एंड मैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके पास यूपीपीसीएस मेंस 2017 का पेपर लेके आया हूं जो 18 जून को हुआ था, यानी कि कल ही हुआ था। एंड इसकी कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 आए थे। एंशिएंट इंडिया से 4, मेडिवल से 9, मॉडर्न इंडिया से 28, ज्योग्राफी से 30, साइंस से 2, पॉलिटी से 1, इकोनॉमिक्स से 11, एनवायरनमेंट से 2, पॉपुलेशन से 14, स्टेट स्पेसिफिक 18, स्कीम्स 3, करंट 26 एंड मिसलेनियस 2 क्वेश्चन थे। देखिए दोस्तों, ये एक रफ एनालिसिस है। कुछ क्वेश्चंस जिनका दायरा वो आप एनवायरनमेंट में भी डाल सकते हैं, ज्योग्राफी में भी डाल सकते हैं, साइंस में भी डाल सकते हैं। तो अगर कुछ बच्चों के एनालिसिस ये होती है कि सर एक दो क्वेश्चन इधर उधर है तो ये मैटर नहीं करता है, ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है। अब मैं दिखा देता हूं कि देखिए कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे और किस तरह से उसका शेयर था। ये देखिए, मॉडर्न इंडिया ने बहुत अच्छा शेयर लिया था। 41 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से आए थे। मॉडर्न इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा शेयर लिया था। उसके अलावा बहुत ही अच्छा सेक्शन था आपका ज्योग्राफी का। ये देखिए, ज्योग्राफी का पोर्शन भी, मतलब ज्योग्राफी और आप मॉडर्न इंडिया मिला दें तो लगभग लगभग 50% के आसपास, 45% के आसपास ये दिख रहा है आपको, लगभग लगभग 50% के आसपास आपके क्वेश्चंस कवर थे। करंट से लगभग 26 क्वेश्चंस थे, तो ये भी बहुत अच्छा पोर्शन लिया था। उसके अलावा पॉपुलेशन का आप पोर्शन देख लें एंड स्टेट स्पेसिफिक, तो ये 5 सेक्शंस अगर आपके अच्छे से तैयार होते तो आपके लिए पेपर हलवा हो जाता। अब मैं आ जाता हूं, ये देखिए बायोग्राफ से भी देखना चाहें तो 4 सेक्शंस मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, करंट एंड स्टेट स्पेसिफिक, उसके अलावा पॉपुलेशन, ये 5 सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर इकोनॉमिक्स भी हो जाता तो ये पेपर तो एकदम आप, मतलब मान लीजिए आपने उड़ा ही दिया होता। अपकमिंग नेक्स्ट मैं डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों, 6-7 क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स नहीं मिल पाए या फिर कंफर्म नहीं हो पाया तो वो क्वेश्चंस मैं आपसे बता दूंगा कि ये क्वेश्चन डाउट है। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके जरूर बताइएगा ताकि मेरे साथ दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने, अब विथ द रिफॉर्म्स ऑफ 1990 हैविंग फेल्ड टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, द इंडियन कांग्रेस लॉन्च्ड एन एजिटेशन फॉर स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ, इसका आंसर दोस्त महात्मा गांधी होगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी। कुछ जगह पे कुछ लोगों ने मोतीलाल नेहरू कहा है, लेकिन मुझे जो मिला वो है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया पीपल नोन एज कल्लार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, इसका आंसर जो है वो मदुराई है। कंफ्यूजन ना, इसके लिए मैं आपसे दिखा देता हूं कि कल्लार कहां पे पाए जाते हैं। ये देखिए, एक मुझे बुक का एक पेज मिला था तो कल्लार को हम सर्च कर लेते हैं। ये देखिए, कल्लार, मारावर, कुरेवंस एंड ऑल कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल ट्राइब इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट, तो कहां पे पाए जाते हैं सर कल्लार, मदुराई डिस्ट्रिक्ट, इसलिए उसका आंसर मदुराई होगा। एनीवेज कमिंग नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन पेपर भी खोल लेता हूं आपके लिए। या ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मदुराई, इसका नाम महात्मा गांधी। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है सर, ये तो सबको पता है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट है, ये है 3-2-1-4 इसका आंसर होगा, यानी कि नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले, फिर 2 अगस्त ऑफर, फिर 1 आपका क्रिप्स मिशन, देन वेवल प्लान। अब देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। उसके अलावा आ जाते हैं प्लेस एंड ईयर ऑफ एनेक्सेशन, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन था और ये मैं आपको प्रूफ करूंगा, मैं जो जो क्वेश्चन आपसे कह रहा हूँ सर रिपीटेड था, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेरी बुक है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी बूस्टर, मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ में सर्च करके दिखाऊंगा सर, क्वेश्चन दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कहां पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर होगा बी 2-1-4-3, यानी संबलपुर को 1849 में, सतारा को 1848 में, अवध को 1856 में और झांसी को 1854 में अनेक्स किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर है सर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, राज बिहारी बोस से लिंक नहीं थे। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में काला पानी की सजा हुई थी गणेश सावरकर को, किसको हुई थी, गणेश सावरकर को, जो कि वी डी सावरकर के ब्रदर थे। तो 5 का आंसर होगा डी। कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू द संथाल हुल ऑफ 1855 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका आंसर है सी 1, 2 एंड 3, क्योंकि आप पढ़ लीजिए ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कॉज ऑफ स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये होगा इसका सॉल्ट लॉ, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, एट्रोसिटीज इन पंजाब, जालियांवाला एट्रोसिटीज इन पंजाब एंड रॉलेट एक्ट, तो ये तीनों तो इन्वॉल्व थे ही, लेकिन सॉल्ट एक्ट का किसी भी तरीके का
इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब अगला क्वेश्चन आ जाते, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि काल जो था वो शिव रामा माधव पारन जापे से रिलेटेड था, इसी तरह से बंगाली जो था एस एन बनर्जी से रिलेटेड था, सुधारक जो था वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले एंड सोम प्रकाश वॉज रिलेटेड टू द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ए होगा, उज नेम एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द वेट, मैं इसका एक बार कंफर्म। अब देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड नहीं था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज बॉम्बे ट्रायम्वेरेट। देखिए ये वाला पेज थोड़ा सा आपका ब्लर हो गया है, इसका आंसर होगा मेहता तिलांग एंड तैयब जी। क्या होगा? मेहता तिलांग एंड तैयब जी, यानी कि फिरोज शाह मेहता, के टी तिलांग एंड बद्रुद्दीन तैयब जी। Who wrote it was difficult to avoid the conclusion the so called first national war of independence of 1857 is neither first nor national or nor a war of independence, R.C. Majumdar, बहुत ही प्यारा favorite and repeated सवाल है ये। Question number 13 पे आ जाते हैं, which of the following made Sanyasi rebellion famous through his writing, इसका answer ये भी repeated है, बंकिम चंद चटर्जी, book में मेरी दिया हुआ है, आनंद मठ में के में जो इनकी novel थी उसमें इन्होंने Sanyasi rebellion की बात की थी। Which of the following Congress leader had participated in the first meeting of All India Kisan Sabha? इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। Who has written सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, यह सभी जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। With which of the following newspaper magazine महात्मा गांधी was not associated? युगांतर इसका आंसर है। Which of the following has started with in opposition to the religious ideas of राजा राममोहन रॉय? इसका आंसर जो है आपका वो है बी, यानी कि समाचार चंद्रिका। किससे रिलेटेड है सर? समाचार चंद्रिका। कुछ लोग ये कह रहे थे दिग्दर्शन होगा, लेकिन नहीं, समाचार चंद्रिका आंसर होगा, विकिपीडिया पे ये दिया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1913 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 पे जल्दी से आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ इन 1932, इसका आंसर है, देखिए जब भी हरिजन की बात आए तो घुमा फिरा के आंसर गांधी जी के आसपास पहुंच जाता है, महात्मा गांधी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, सबसे पहले अगस्त ऑफर आया था, फिर क्रिप्स मिशन आया था, फिर क्विट इंडिया, फिर देसाई लिक्विड पैक्ट, तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, फैमिन इन वेस्टर्न यूपी। हु वॉज द गवर्नर जनरल वेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885, लॉर्ड डफरिन, बहुत ही प्यारा रिपीटेड सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी सेट अप ड्यूरिंग द प्री कांग्रेस फेज, प्री कांग्रेस फेज, यहाँ पे देखिए ये एक सवाल गलत है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मैं बता दूं आपको, ये देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो हुई थी 1851, इंडियन एसोसिएशन की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1876, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई थी 1852, और लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता का बना था सर 1836 हुआ था। तो सारी जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी ये सारी की सारी कांग्रेस से पहले बनी थी, बाद की नहीं है, पहले की हैं। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784, विलियम जोन्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, करिंग द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, इसका 3, 4, 1, 2, यानी कि बैन ऑन सती सबसे पहले हुआ, फिर वुड डिस्पैच हुआ, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ, फिर रॉलेट एक्ट हुआ। अब देखिए दोस्तों ये आंसर्स आप नोट कर लीजिए, ये आंसर्स करेक्ट है, मैंने सारे चेक करके बहुत सोर्सेस को एनालिसिस करने के बाद लिखा है। अगर फिर भी अगर मुझसे बाई चांस एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, जहां पे भी मुझे डाउट रहा है मैंने वो क्वेश्चन आपसे पहले ही कह दूंगा कि सर मुझे डाउट है, तो आप चेक कर लीजिएगा। लगभग 143 क्वेश्चन के मुझे सही आंसर मिल गए थे, 150 के पूरे नहीं मिल पाए, तो वो 6-7 क्वेश्चन आप जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। ये देखे क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि मेरे मित्र ने जिन्होंने मुझे भेजा था तो वो ये पेज भेजना भूल गए थे, दोबारा मंगाया था, और ये पीडीएफ और ये वाला पेज लेके आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। डाउनलोड सेक्शन में मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे वेबसाइट जो हमारा पेज है, जो हमारा ये वीडियो बन रहा है, इसके डाउनलोड सेक्शन में आपको दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, या फिर अगर आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे तो आप हमारी वेबसाइट www.ddnpublicationhouse.com पे भी आप डाउनलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। On 20th February 2018, who became the first ever Indian female to fly the solo
MiG-21 बिशन अवनी चतुर्वेदी जी ने ये चीज हासिल की थी। इसका आंसर ए होगा। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अपॉन द ओपनिंग सेरेमनी परेड ऑफ एथलेटिक्स ऑन 9 फरवरी 2018 इन विंटर ओलंपिक्स की बात है, सियोल साउथ कोरिया में। इसका आंसर सर होगा डी, नाइदर वन और टू, नॉर्थ कोरिया एथलीट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं है, देयर वाज नो रशियन फ्लैग, ऐसा भी नहीं है, तो डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर जज, जोईता मंडल, वेस्ट बंगाल। इसका आंसर है अ मेजर टेरर अटैक ऑफ 2017 इन विच ओवर 500 पीपल्स डाइड टुक प्लेस एट, ये होगा मोगा डीसू। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसमें जो पहले से टिक है उसको मत देखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं वो आंसर सही है, और क्योंकि ये बच्चे ने दिया था तो उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था, तो टिक के ऊपर मत जाइए, आप इसके उस पर जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए वीडियो देखते रहिएगा। मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूं, मोगा डीसू सोमालिया इसका आंसर है। उसका अगला सवाल, एज ऑन 31 मार्च 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, प्रत्यूष इसका आंसर है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज ओपन फॉर पब्लिक रिसेंटली लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज प्रोविंस, इसका आंसर सर हेबई, जे यांगसू आंसर नहीं है, हेबई इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू ट्राई 31 दिसंबर को किस टेलीकम्युनिकेशन का मैक्सिमम मार्केट शेयर था, सर इसका भारतीय एयरटेल आज भी किंग है, एयरटेल इसका आंसर है। एन इंडियन हु बिकेम जज फॉर द सेकंड टाइम इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज हेग नीदरलैंड, रिपीटेड सवाल, दलवीर भंडारी। कमिंग नेक्स्ट, द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वॉज हेल्ड बिटवीन 26 फरवरी टू 1 मार्च 2018, कहां पे होता सर, ये हुआ था 35 के ऊपर मैं आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 35, बार्सिलोना में इसका आंसर हुआ था, सॉरी इसका आंसर बार्सिलोना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव इट्स ओन लोगो, इसका आंसर बेंगलुरु है। कुछ बच्चे मैसूरू बोले थे, बता दू बेंगलुरु, ये चेक करके मैं आपको बता रहा हूं। द सेकेंड WTO/UNESCO कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म एंड कल्चर वॉज हेल्ड इन, कहां पे हुआ था सर, इसका आंसर होगा मस्कट ओमान, अबू धाबी नहीं है, मस्कट ओमान इसका आंसर है। 18 फरवरी 2018 में कौन सा इंडियन बॉलर बना था जिसने 5 विकेट हॉल फॉर द ऑल थ्री फॉर्मेट्स में लिया था, इसका आंसर है भुवनेश्वर कुमार, सही आंसर है ये। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के लिए ये अरेंज करनी थी रैंकिंग वाइज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही अरेंज किया इन्होंने, यानी कि सर डेनमार्क की बात करेंगे तो इसका तीसरा पोजीशन है, फिनलैंड की बात करेंगे तो ये पहला पोजीशन है, नॉर्वे की बात करेंगे तो इनका दूसरा है, एंड आयरलैंड की बात करेंगे तो इनका चौथा है। 39 क्वेश्चन नंबर, और फिर वापस अपने पीडीएफ पे आ जाते हैं, तो इसी ये जो आपके पास पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो एक तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और ये एक इमेज डाउनलोड कर लेंगे, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अम्मा स्कूटर स्कीम मोदी जी ने वहां पे इनॉग्रेट की थी, और इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि इट इज 50% सब्सिडाइज स्कीम, नॉट दी 75%। उसके अलावा द फर्स्ट पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। द इंडियन वीमेन हु ओन द मिस वर्ल्ड टाइटल आर, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले जानते हैं ऐश्वर्या राय ही वो थी इंसान जिन्होंने सबसे पहले जीता था, फिर डायना हेडन, फिर प्रियंका चोपड़ा, फिर मनुषी छिल्लर। आफ्टर विनिंग अ गोल्ड मेडल ऑन 2 मार्च 2018 एट द इंडियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट किर्गिस्तान, Who first ever created a history of becoming first ever Indian women to win a gold medal at the Asian wrestling competition? इसका आंसर नवजोत कौर है दोस्तों, नवजोत कौर ने ये इंडिया के लिए प्राइज जीता था। सौभाग्य योजना किससे रिलेटेड है सर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बीपीएल फैमिलीज के लिए, सी आंसर है इसका। यूनिसेफ रिपोर्ट 2018 में जो 20 फरवरी को लॉन्च हुई थी, कौन सी कंट्री रिस्कीएस्ट है न्यूबॉर्न्स के लिए सर, पाकिस्तान इसका आंसर है, पाकिस्तान। बहुत लोग सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कह रहे थे, कुछ लोग सीरिया कहते, लेकिन इसका आंसर पाकिस्तान है, मैंने चेक किया है पर्सनली। उसके अलावा द बेस्ट फिल्म ऑफ 90th ऑस्कर अवार्ड 2018 वॉज द शेप ऑफ वाटर, पानी का शेप, शेप ऑफ वाटर, इसका आंसर डी होगा। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्यूबवेल एंड वेल इरिगेशन ऑफ इंडिया, रिपीटेड सवाल, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है दोस्तों। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट, इसका आंसर है सोयाबीन। एंड 49 क्वेश्चन, येलो रिवॉल्यूशन सभी जानते हैं, ऑयल सीड प्रोडक्शन, आंसर बी। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड रीजन एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इसका आंसर होगा गुजरात। अच्छा, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं रिपीटेड है सर, उसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको शो करूंगा मेरी बुक में कहां कहां पे ये दिया हुआ है। बुक पहले छपी थी, ये पेपर बाद में आया था, मैं आपको प्रूफ जरूर करूंगा कि लास्ट ईयर रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, ऑल्दो ये आप बात जानते हैं, बट प्रूफ भी मिल जाएगा तो और खुशी होगी। किस कंट्री ने इंडिया का इन्विटेशन रिफ्यूज कर दिया था मिलान 2018 में पार्टिसिपेट करने के लिए, मालदीव्स आंसर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 सर साइलेंस ब्रेकर्स थे, और इसमें लेने कौन सा नॉट करेक्टली मैच है तो सर है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे 30 जून, इसका आंसर नहीं होगा।
the leading crude oil supplier to India to, during 2017-18, इराक इसका आंसर होगा, इराक 54 पे हो गया हमारा क्वेश्चन, 55 पे हमारा आता है, ये देखिए, which of the following agency is not involved in exporting agriculture goods, MMTC इसका आंसर है, what are the causes of slow progress of India's export, all of the above, high price, forest competition, low level of goods, इसका आंसर है डी। देखिए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वीडियो, रीजन बिंग ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो आधे घंटे के अंदर मैं 150 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँ, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना रहे और आपको सही आंसर पता चल रहा है, लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस जरूर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया एंड बुक्स में भी कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, कौन सा मैं पूरा आपको एनालिसिस दूंगा बाद में। एशिया बिगेस्ट गोल्ड मार्केट, अब देखिए कभी भी अगर इस टाइप का है ना ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन तो जनरली उसका आंसर डी ही होता है, एशिया बिगेस्ट गोल्ड मार्केट सर, इसका मुझे आंसर वैसे मिला नहीं, लेकिन बहुत जगह पे मैंने चेक किया था तो कुछ जगह पे जाकार्ता और बहुत कुछ जगह पे बीजिंग इसका आंसर मिला था, तो ए और बी में कोई एक इसका आंसर होगा बट आई एम नॉट श्योर, तो इस पे मुझे क्या है सर कंफ्यूजन है, क्या है सर आई एम कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, तो आई डोंट वॉन्ट कि मैं आपको गलत आंसर दूं, मैं हूं इस पे सर, इस पे मुझे सर कंफ्यूजन, ठीक है 57 की बात कर लेते हैं, 58 की बात आ गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी की बात करते हैं सर, अप्रैल 2000 का इसका आंसर होगा, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, बहुत प्यारा सवाल, नोएडा रिपीटेड सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप्स, कॉटन वुड सॉरी कॉटन जूट एंड सन हेम्प, सी इसका आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, पैडी से विल्ट पैडी में विल्ट डिजीज नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज रिलेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर 20 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर है बी यूरिया, बट इस पे भी डाउट है, कुछ बच्चों ने अमोनियम सल्फेट बोला तो आप इसका आंसर प्लीज चेक कर लीजिएगा, वैसे इसका आंसर यूरिया होना चाहिए। द लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट इज कर्नाटका, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैं आपको शो करूंगा, उसके अलावा आ जाता है इंडियन क्वेश्चन नंबर 64 इनसाइड ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है, बहुत प्यारा पुराना और प्यारा सवाल है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, राउंड कॉन्फ्रेंस ऑफ गैट इज नॉर्मली हेल्ड एवरी ईयर इन, कहां पे होता है सर जिनेवा में होता है ये, अब ये एरिया और मिनरल सोनभद्र वो डिस्ट्रिक्ट है जिससे मेरी सारी स्कूलिंग है, तो मैं बता दूं सर सोनभद्र किसके लिए फेमस है सर लाइमस्टोन के लिए फेमस है, एक हो जाएगा फोर, उसके बाद इलाहाबाद कि मैं बात कर लेता हूं, तो इलाहाबाद किससे रिलेटेड है सर, इलाहाबाद रिलेटेड है ग्लास सैंड से, ललितपुर किससे रिलेटेड है सर कॉपर से रिलेटेड है, एंड मिर्जापुर किससे रिलेटेड हो जाएगा सर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एज ऑन 30, तो इसका आंसर हो जाएगा सर डी, हाँ 31st December 2017 हाउ मेनी स्टेट यूनिवर्सिटी आर देयर अंडर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, मोर देन 15 इसका आंसर होगा, लॉन्ग टर्म विजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज टू मेक इंडिया मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड बाय 2020 आंसर है, कुछ लोग 2019 कहते हैं वो गलत है, 2020 इसका आंसर है, ये चेक किया है मैंने पीआईबी पे, नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी इज लोकेटेड इन आगरा, बहुत लोग को लगता है सर इंडस्ट्री है तो कानपुर होगा, नहीं ऐसा नहीं, इसका आंसर होगा सी आगरा, द कैटेगरीज ऑफ कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज आर, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द वेब, जिस जब जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर ऑल ऑफ द वेब होता है, द मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज WTO, आप इसका जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश, शुगर केन जिसका उत्तर प्रदेश हाइएस्ट प्रोड्यूसर भी है, लेकिन एक चीज बता दो, देखिए शुगर का जो हाइएस्ट प्रोड्यूसर है वो महाराष्ट्र, लेकिन शुगर केन यानी कि गन्ने का प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी जो बनती है वो महाराष्ट्र में बनती है, इंफॉर्मेशन अच्छी है नोट कर लीजिए। 73 का इसका विच इज नॉट ए मेजर अपकमिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इसका आंसर होगा सर डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, क्योंकि डिफेंस पार्क जो बन रहा है सर वो आपका कानपुर में बनेगा, वो है आपका अपकमिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ना कि शाहजहांपुर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच सर, बैंगल इंडस्ट्री शाहजहांपुर से रिलेटेड नहीं है, ये गलत है, लॉक इंडस्ट्री सभी जानते हैं अलीगढ़ के ताले फेमस है, कॉर्पोरेट के लिए बदोही फेमस है जानते हैं, चिकन इंडस्ट्री जहां से मेरी इंजीनियरिंग है वहां लखनऊ के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन द कंट्री, इसका आंसर होगा सर डी 1 and 3 sugar cane and potato. According to census 2011, the highest average literacy rate of the 4 districts in correct descending order is, इसका आंसर होगा सर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया एंड इटावा. The culture of Uttar Pradesh has a historical past. It consists of which of the following? इसका आंसर बहुत जगह बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ए होगा, मुझे इसके आंसर पे डाउट है, तो इसका आंसर आपको अगर पता हो तो प्लीज चेक करके बताइएगा, अदरवाइज बहुत लोग बता रहे हैं कि बुद्धा रामायण नवाब होगा, बट मुझे ये कहीं पे मिला नहीं। Which of the following pair is not correctly matched? इसका आंसर होगा सर मिर्जापुर बिरहा।
79 की बात करें, इन उत्तर प्रदेश कोल डिपॉजिट आर फाउंड इन, सर इसका होगा ऑल ऑफ द एवर, विंध्या सिंगरौली एंड बुंदेलखंड तीनों जगह में पाया जाता है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग फीमेल मेल फीमेल रेशियो कितना था सर, 912 था। कितना था सर, 912 था। अंडर द एनआरएचएम स्कीम मेल फीमेल रेशियो इन यूपी की बात हो रही थी सर, 912 था। अंडर द एनआरएचएम स्कीम ए विलेज लेवल हेल्थ वर्कर, बहुत सस्ता सवाल है, आशा इसको कहते हैं। आशा विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज ट्रेडिशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खा पंचायत, जाट्स में ये बहुत फेमस है। थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम की बात की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, सिंगल विंडो क्लियरेंस, इसका मैंने क्वेश्चन बहुत सर्च किया था लेकिन मुझे मिला नहीं ठीक से, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर सी होगा, आप चेक कर लीजिएगा, मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। 84 का वैसे सी होना चाहिए बट इस पे मुझे कंफ्यूजन है। डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी क्या करता है सर, दोनों बनाता है, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन बोथ, आंसर होगा इसका सी। द फर्स्ट दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर कहां पे सर, ये बनारस में है, कहां पे, बनारस में है। द लेंथ ऑफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे इज अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर, 302 किलोमीटर है इसकी लेंथ, तो 300 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 88, देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है, सभी लोग जानते हैं, सी का 2 अगर आपको बता दो तो आप सीधे बता देते सर, इसका आंसर होगा ए। करेक्ट एग्जामिन द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, इसका आंसर हो जाएगा सर सी। कुछ लोग डी कहते लेकिन इसका आंसर सी होगा, मैंने चेक किया। द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया डिक्लाइन ड्यूरिंग 2011-12, क्योंकि इसका कितना बना था, मैं 927 था पहले, उसके बाद हो गया ये 919, तो हाँ जी घटा है। द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन हरियाणा हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग 2001-11, 819 से 834 हुआ था हरियाणा में, तो ये भी टू भी सही है। इंडिया रूरल सेक्स रेशियो इज हायर देन अर्बन सेक्स रेशियो, ये भी सही है। द मेल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज हायर देन फीमेल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये गलत है, तो 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। किस डिस्ट्रिक्ट में यूपी के अगड़िया ट्राइब्स मिलती है सर, इसका आंसर होगा मिर्जापुर। किसने किस्सा राधा कन्हैया लिखी है सर, इसका आंसर होगा नवाब वाजिद अली शाह। विमेन पॉवर्टी लाइन 1990 योजना वॉज स्टार्टेड ऑन, इसका आंसर क्या होगा सर, 15/11/2012, बी इसका आंसर है विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इस पे मुझे डाउट है, कुछ लोग कह रहे हैं ओनली ए इज करेक्ट बट आई डाउट, तो ये मिल जाए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। 94 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग विच नेम इज एसोसिएटेड विद माइग्रेशन थ्योरी, थॉम्पसन इसका आंसर होगा बी। 95 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं, इन इंडिया रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट सर, ये गलत है क्योंकि देखिए रूरल टू रूरल माइग्रेशन जो हुआ था वो 53.3 मिलियन था और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन 20.5 मिलियन था, तो देखने में तो ए सही लगता है कि भैया अर्बन में तो सारी फैसिलिटी है तो रूरल से अर्बन भाग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन ज्यादा है, तो ए तो गलत हो जाएगा, तो ए फॉल्स हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि आर इज ट्रू तो हो गई होगा, यानी कि रूरल से रूरल माइग्रेशन इज मेनली द वीमेन माइग्रेशन, शादी वगैरह हो जाती है तो इसके लिए वो जाती हैं। एंड उसके बाद फिर 96 की बात कर लेते हैं, देयर इज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये सही है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन, ये भी सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इसका आंसर है। Which of the following state recorded negative growth of population growth? ये हो जाएगा इसका नागालैंड, सी इसका आंसर है। 98 पे आ जाते हैं सर, इसका आंसर होगा डी, यानी कि सर होगा गद्दी के से रिलेटेड है सर। 2 पे आ जाइए, हिमाचल प्रदेश टोडास तमिलनाडु सभी जानते हैं, अगर ये आपने लगा लिया तो आप बता देंगे खासी मेघालय से रिलेटेड है, नागा जो उसके बाद नागा जो है वो मणिपुर से रिलेटेड है। 99 पे आ जाते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट गैस, कौन सी परमानेंट गैस है सर, सॉरी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन, ये तीन परमानेंट गैस हैं आपकी। ग्रीन वॉश का क्या मतलब होता है, ग्रीन वॉश का मतलब है मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेज ऑफ प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में इसका रिसॉर्ट करते हैं कि भैया हमारे प्रोडक्ट लेने से ग्रीनरी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ बनाते हैं, गवर्नमेंट भी अक्सर ऐसा कर लेती है। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, इसका आंसर ए और सी में कोई एक होगा, ये तो है ये भी है, लेकिन गुड गवर्नेंस कुछ जगह पे दिया है आंसर्स, एंड कुछ जगह पे बच्चे कह रहे हैं कि स्टेबिलाइजिंग क्वालिटी ऑफ आंसर इसका नहीं होगा, तो देखिए ए और सी में कंफ्यूजन है, इसको प्लीज अगर आपको पता हो तो बताइए। इसका अगला क्वेश्चन भी मुझे मिला नहीं, मिल जाएगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। एनविस का सेंटर ऑन पॉल्यूशन एनवायरमेंट कहां पे सर, ये मुझे कहीं पे मिला नहीं, तो आपको अगर पता हो तो बता दीजिए। अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज विच इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड, इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। When did India adopted the new national population policy? इसका आंसर होगा सर ईयर 2000।
the place of India among the 58 countries of the world as per 2017 climate change performance index published by the German Watch is 20th. When and where the National Environment Engineering Research Institute was established? Nagpur, bahut hi favorite aur repeated sawal hai. When the Environment Protection Act for the preservation and protection of environment was passed by the government of India? 1986 इसका आंसर हो जाएगा सर. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Which one of the following state ranks second in India in terms of total literacy rate and level of urbanization as per 2011 census? अगर आपको ये भी पता होता है लिटरेसी जो है मिजोरम की सेकंड है तो आप आंसर इसका बी कर लेते. इसका आंसर होगा बी मिजोरम. इसका अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज लीस्ट? सर बिहार इसका आंसर है. बिहार इसमें आगे है. विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर अंडरलाइन बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट द ग्लोबल चैलेंजेस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल समिट एट डेवोस? इसका आंसर देखिए कोल्ड वॉर की तो बात ही नहीं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप बात कर सकते हैं. आज की डेट में क्लाइमेट चेंज टेररिज्म और प्रोटेक्शनिज्म की ज्यादा बात चली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. इसके अलावा क्वेश्चन है इंडिया इज अ केस ऑफ ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री. देखें इंडिया ओवर अर्बनाइज्ड तो है नहीं क्योंकि अर्बनाइजेशन अभी भी इंडिया का काफी कम है. मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज इन इंडिया डू नॉट हैव एन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बिल्कुल सही बात है. इनफैक्ट दिल्ली जैसे सिटी में भी बहुत ज्यादा जगह बहुत सारी जगह पे इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू इसका हो जाएगा. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाउ मेनी मिलियन सिटीज आर देयर इन इंडिया? बहुत ही प्यारा सवाल है एंड बहुत ही कॉमन रिपीटेड सवाल है. 53 इसका आंसर होगा. एज पर द यूनियन नेशंस डेटा व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड टू लिव इन अर्बन सेटलमेंट्स इन 2016? इसका आंसर होगा सर नियरली 54% है. तो 54.5% इसका आंसर होगा. व्हाट इज मीन बाय अमलैंड सर? एरिया सराउंडिंग द टाउन. ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता है सर. सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? तो मैं बता दूं आपको सर इसका आंसर होगा ए का 3 हो जाएगा मैक्सिको. तो और माइका का इंडिया आप लोग जानते हैं तो आप यहीं से बता देंगे सर इसका आंसर होगा ए. 115 116 का कर लेते हैं कि कौन सी लेक सबसे ज्यादा मतलब इंटायरली यूएस में आती है? तो सर होगा लेक मिचिगन. 117वें का आंसर है सर सिस्मोग्राफ. सिस्मिक वेव्स को ये मेजर करता है. ये साइंस का अच्छा सवाल है. ज्योग्राफी में भी आप देख सकते हैं इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट? बहुत ही बच्चों वाला सवाल है सर. एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन यूरोप. आंसर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका? इसका आंसर होगा गुयाना. साउथ अमेरिका में है गुयाना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. अब इसके बाद बात कर लेते हैं 120 पैसिफिक ओशन डीपेस्ट पॉइंट क्या आएगा पैसिफिक ओशन? मेरियाना ट्रेंच सभी जानते हैं, तो ए का 3 हो जाएगा. तुरंत आप आंसर बी कैलकुलेट कर देंगे. 121 का आंसर था सर. देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सिल्क यार्न? इसका आंसर हो जाएगा सर कर्नाटका. और हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले मलबरी की बात की थी. मलबरी का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटका ही है. उसके अलावा कोल फील्ड्स की बात कर लेते हैं, स्टेट्स की बात कर लेते हैं सर. इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तो फ्रेंड्स मैं आपसे 122 क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा था. इसका आंसर है बी, राजमहल जो है आपका झारखंड में है सर. और अगर आपको राजमहल भी पता है झारखंड में मतलब कहां पे है, तो आप इसका आंसर बी तक पहुंच सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2015-16? इसका आंसर होगा सर महाराष्ट्र इज ग्रेटर देन यूपी, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटका. महाराष्ट्र मैंने बताया था जो शुगर है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन शुगर केन जो है वो यूपी में प्रोड्यूस होता है. तो इसका आंसर इसलिए जाएगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इन 2016-17? बहुत सारे लोग इसका आंसर श्रीलंका कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका आंसर होगा सी, चाइना. चाइना मैंने इसका आंसर चेक किया था, डेटा देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना. वैल्यू टर्म्स में चाइना सबसे ज्यादा टी वो करता है. वॉट वॉज द टोटल फर्टिलिटी रेट बाई रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे? देखिए दोस्तों ये देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट की बात हो रही थी, ऑफिशियल सेंसस india.gov.in से मैंने उठाया है. द टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम हैज डिक्लाइन फ्रॉम 5.2 टू 4.5 ड्यूरिंग 1971 टू 81 एंड फ्रॉम 3.6 टू 2.3 ड्यूरिंग 1991 टू 2015. तो आंसर इसका हो जाएगा सर 2.3, क्योंकि कुछ लोग इसका आंसर कुछ और ही कह रहे थे, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा था. इट वॉज 2.3 इसका आंसर होगा. पी सेन गुप्ता एंड जी सदायुक इन 1968 हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी माइक्रो एग्रीकल्चर रीजन्स? इसका आंसर हो जाएगा सर 60. सी इसका आंसर है. कोल डैम प्रोजेक्ट किस पे सर? सतलज पे है. इसका आंसर होगा बी. 128 क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर ले सर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इट जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट?
परसेंट वाइज है सर आंसर इसका मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 129 बुग्याल, तो बी का आंसर हो जाएगा सर वन, तो बी में वन देख लें, तो इसमें से बी और सी में एक आंसर होगा और उसके बाद आ जाता है बन्नी ग्रासलैंड और पहलगाम। पहलगाम मैं बता दूं सर जम्मू कश्मीर में आता है, तो यहां पे टू हो जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा बी, बी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट, बहुत फेवरेट सवाल, अरावली एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर, इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। स्टेट बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉमन विथ हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा एट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक्स प्रोवाइड अबाउट 95% ऑफ कोल ऑफ इंडिया, ये बात सही है। मोस्ट ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद हरवाड़ रॉक सिस्टम, ये भी सही है, बट बी बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी, बी इसका आंसर होगा। 134 पे आ जाते हैं, बोथ संकल सान एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, इसका आंसर होगा अगस्तोक्लीस। स्टडी और ये है क्वेश्चन नंबर 135, इंद्र के बारे में बात है, तो गॉड ऑफ थंडर उन्हें कहते थे एंड ही वाज आल्सो द गॉड ऑफ रेन, तो 1 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 136 की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, प्रभावती गुप्त उदयगिरीश केव इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में नहीं मिलता है। 137 की बात कर लेते हैं सर, लोथल जो है वो डॉकयार्ड है, सभी जानते हैं, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले थे, फरोड लैंड मिले थे, तो बी का अगर हम ले लेते हैं 2 एंड सी का ले लेते हैं 4, तो 2 एंड 4 वाला कॉम्बिनेशन डी में आता है, तो इसलिए हड़प्पा का आंसर हो जाएगा सिमेट्री आर 37 एंड डांसिंग गर्ल हो जाएगा सर मोहनजोदड़ो। अरेंज इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका आंसर सर मुझे कहीं जल्दी मिला नहीं, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा स्टिल, कुछ जगह पे कुछ सोर्सेज पे ये आंसर बोल रहे हैं सी होगा 1 2 3 4, बट इस पे डाउट है, तो ये आप अगर पता हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस वाज हाईली सक्सेसफुल, ये आंसर होगा सी। 139 का होगा सी, दीवाने अमीर कोही किससे रिलेटेड था सल्तनत पीरियड में, एग्रीकल्चर, इसका आंसर है सी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन इंडिया, मोहम्मद बिन तुगलुक थे वो। Which of the following was the first Persian poet to depict Indian environment in his poetry? Confusion है इसके आंसर में सर, अमीर खुसरो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, तो अमीर खुसरो आंसर हो सकता है, बहुत ही ज्यादा versatile ये poet थे, तो इसका आंसर A होने की प्रबल संभावना है, थोड़ा सा doubt है। During whose rule did Megasthenes come to India? इसका आंसर होगा सर चंद्रगुप्त, बिल्कुल clear है इसका आंसर। अब इसमें आ जाएगा इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो देखिये वत्सराज जो थे वो नागभट्ट 2 के पापा थे, तो 4 और 1 में देख लीजिए ऑप्शन, 4 और 1 ये वाला ऑप्शन है, बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बाकी में 1 के बाद 4 दिया हुआ है। विथ रेफरेंस टू द डिगिंग कैनाल्स, यहाँ पे देखिए आंसर बी है, डिगिंग कैनाल्स की बात कर रहे थे फॉर निचिंग एग्रीकल्चर। विच अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रूलर ऑफ 13th सेंचुरी, गियासुद्दीन तुगलक, इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु स्टार्टेड गुरुमुखी, गुरु अंगद, ये रिपीटेड सवाल है। अगले सवाल पे आ जाते हैं सर, इसका आंसर हो जाएगा डी, भीमसेन कायस्थ का आंसर होगा तारिक ई दुलकुसा, एंड इसी तरीके से चंद्रभान ब्राह्मण का आंसर हो जाएगा चाल चमन, एंड बाकी चीजें आप देख सकते हैं। 4 1 2 3 इसका आंसर है, आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड लास्ट, डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड, आप सभी जानते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, दांडी मार्च, गांधी विप्लव पहले हुए थे, डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड डी इसका आंसर है। रेलवे कमीशन किससे रिलेटेड है सर, थॉमस रॉबर्टसन से रिलेटेड, ए का हो जाएगा 4। फेमिन कमीशन किससे रिलेटेड है सर, एंथनी मैकडोनल से रिलेटेड है, बी का हो जाएगा सर 2, तो इसका आंसर बन जाएगा सॉरी बी का हो जाएगा 1, तो इसका आंसर बन जाएगा सर सी, सी इसका आंसर है। एंड विथ रेफरेंस टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813, एबोलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेवेटेड द प्रोसेस, इसका आंसर रहेगा सी बोथ। इसी के साथ मैंने आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जिन क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे दोस्तों डिस्कस नहीं कर पाया हूं प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर पाऊं। उसके अलावा अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन दे दूंगा, और वहां पे भी अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो हमारी वेबसाइट www.ddnpublicationhouse.com मैं लिख भी देता हूं, www.ddnpublicationhouse.com पे, इस पे जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा तो इस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यूपीपीसीएस मेंस का पेपर आप देख रहे हो तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स से जरूर डिस्कस कर लीजिए। एक अगला वीडियो भी जरूर बनाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सर रिपीटेड थे एंड इसके अलावा आपके यूपीपीसीएस मेंस 2017 वाला जो पेपर है उसका पेपर 2 भी मुझे आपसे डिस्कस करना है, उसके लिए भी एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिए। दिस वॉज निलेश कुमार सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको ये मेरा चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स में भी स्प्रेड करिए ताकि और लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज निलेश कुमार सिंह इन फ्रंट ऑफ यू एट योर सर्विस। सबक है।